वेलकम टू माय चैनल शाइन विद बबीता। आज मैं आपको घर पर ही एक्वेरियम कैसे साफ किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम किसी को भी घर पर नहीं बुला सकते हैं, तो मैंने भी अपना एक्वेरियम खुद ही साफ किया था। देखिए कितना चमक रहा है। तो मैं चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वेरियम साफ करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो ये फिल्टर आपका ऑन है इसको हम ऑफ करेंगे, लेकिन हम लाइट ऑफ नहीं करेंगे। हमने फिल्टर को ऑफ कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। अब हम इसके अंदर जो एक्सेसरीज है उसको बाहर निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने इसको अलग कर लिया है और हम इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद आपको ये प्लांट दिख रहे हैं, हम ये प्लांट निकाल लेंगे। देखिए कितने गंदे हैं ये प्लांट, इनको भी हम साइड में कर लेंगे। इसके बाद ये फिल्टर हम ये भी निकाल लेंगे। आपको बहुत सावधानी से ये सारी चीज़ें निकालनी हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है। ये देखिए इस तरह से। हम इनको निकाल कर एक देखिए फ्रेंड्स, मेरे एक्वेरियम के अंदर तीन फिशेस हैं और मैं इनको एक नेट की सहायता से पहले इसको बाहर निकालूंगी एक एक करके। और पहले मैंने एक छोटी सी बकेट के अंदर दो मग पानी रखा है ताकि देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेट की सहायता से तीनों फिश को अलग बाल्टी में साफ पानी में डाल दिया है। अब मैं एक्वेरियम का अच्छे साफ सबसे पहले हम एक मग की सहायता से ये पानी एक दूसरे बकेट में निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा एक्वेरियम बहुत गंदा हो रहा है, इसलिए हम सारे पानी को धीरे धीरे ऐसे ही मग की सहायता से इसमें डाल लेंगे। अभी हम थोड़ा पानी इसमें छोड़ देंगे क्योंकि हम जो ये स्टोन है इसके अंदर उनको थोड़ा सा हाथों से रगड़ कर उसको साफ करेंगे। ऐसे इस पानी में स्टोन को ऐसे रगड़ रगड़ के साफ करना है। ये देखिए आप दोनों हाथ से भी कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से अब मैंने एक ब्रश लिया है, इसकी सहायता से मैं जो ग्लास है अंदर से उसको साफ करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स कितना गंदा हमारा एक्वेरियम हो रहा है। ये सामने भी इसको ऐसे करना है अपने साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टोन को एक साइड में कर लेंगे, हाथ से इसको स्टोन को एक साइड में कर लेंगे। अब ब्रश से इसको साफ करेंगे इस ग्लास को अंदर से। बाकी पानी को भी मग की सहायता से बाहर निकालेंगे। हमें सारा गंदा पानी बाहर निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी बिल्कुल खाली हो गया है। अब हम ये स्टोन एक प्लेट की सहायता से एक टब में निकाल लेंगे। ये
हमने सारे निकाल ली हैं। हमारा एक्वेरियम बिल्कुल खाली हो गया है। अब हम एक न्यूज़पेपर की सहायता से इसका जो बाहर का जो ग्लास है उसको साफ कर लिया इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल इसमें कोई भी स्टेन नजर ना आए। हम इसको अंदर से भी कर सकते हैं। ग्लास अगर हम न्यूज़पेपर से करते हैं तो उसमें कोई भी स्टेन नहीं रहता, और जो उसमें पानी होता है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, बस कितनी चमक आ गई हमारे इसमें, ये अच्छे साफ हो गया है। हम इसको चारों तरफ से अच्छे से हमने इसको, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी गंदगी हमारी निकली है। अब एक गीले कपड़े से इसका जो कवर है ये ऊपर का, उसको भी हम अच्छे से पोंछ लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और एक बार हम ये हमारा एक्वेरियम बिल्कुल साफ हो गया है। अब हम इसकी एसेसरी साफ करेंगे। पहले हम स्टोन साफ करेंगे। इनको हमें हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ना है ताकि इनसे सारी गंदगी निकल जाए और ये बिल्कुल वाइट हो जाए। वाइट हो गए हमारे। अब हम गंदे पानी को बाहर निकाल देंगे। यही प्रोसेस हमें 2-3 बार करना है ताकि सारे स्टोन की गंदगी निकल जाए और हमारे स्टोन बिल्कुल वाइट हो जाए। अब हम फिर से पानी भरेंगे। फिर से हम इसको हाथ से हमें 2-3 बार ऐसे साफ करना है ताकि इनकी गंदगी अच्छे से निकल जाए और गंदा पानी बाहर निकाल देंगे। अब हम फिर से पानी भरेंगे। ये हमारे स्टोन कितने वाइट हो गए हैं, पहले कितने गंदे थे ये देखिए। जब हमारा पानी साफ होने लगे तो समझ जाओ हमारे स्टोन बिल्कुल साफ हो गए हैं, उनकी गंदगी निकल गई है। अब हम स्टोन को एक्वेरियम में सेट करेंगे। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्टोन कितने वाइट हो गए हैं बिल्कुल।
हम इन्हें हाथ से कट करते हैं इस तरह से। देखिए कितने साफ और वाइट हो गए हैं बिल्कुल, पहले कितने गंदे थे और अब कितने साफ हो गए हैं, बिल्कुल वाइट। स्टोन साफ करने के बाद अब हम इसकी एसेसरी साफ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप टंकी खोल लीजिए और हाथों से रगड़कर इनको प्लांट्स को अच्छे से साफ करिए इस तरह से। ये देखिए हमें इसमें कोई भी सोपी वाटर, कोई भी आपको सर्फ कुछ नहीं डालना है, क्योंकि जो मछलियां हैं वो हमारी लिविंग थिंग हैं, इसलिए उनको नुकसान ना पहुंचे, हम केवल इसको फ्रेश वाटर से साफ करेंगे। अब हम दूसरा वाला प्लांट लेंगे, उसको भी हम ऐसे ही साफ करेंगे। ये देखिए इसको आपको केवल फ्रेश वाटर से साफ करना है, उसी से साफ हो जाते हैं। ये देखिए इसको मैं हल्का सा ब्रश से साफ करूंगी, ब्रश मेरा बिल्कुल साफ है, उसको मैं हल्के हल्के हाथ से जिसमें गंदगी है वो निकल जाए उसको मैं हल्के हल्के साफ से साफ करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल साफ हो गया है, और हमारी इसकी जो ये फिल्टर का जो पाइप है उसको भी हम हाथ से साफ करेंगे। और ये छोटा सा ब्रश है, टूथ ब्रश, जो कि अब मेरे यूज़ में नहीं है, मैं उससे धीरे धीरे साफ कर रही हूँ। लेकिन मैंने इसमें कोई शैम्पू या कोई सॉपी वाटर या कोई सर्फ नहीं डाला है, मैं केवल इसको फ्रेश वाटर से साफ कर रही हूँ। ये देखिए, ताकि हमारी मछलियों को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। आप भी इसी तरह से करिए। अब सबसे लास्ट में हम फिल्टर साफ करेंगे। फिल्टर को पहले हमें खोलना है इस तरह से, और इसके बाद हमें इसके पाइप को साफ करना है अच्छे से। ये जो ब्रश है हमें इसके ऊपर की नोब भी खोल देनी है। ये देखिए हमारा फिल्टर अंदर से कितना गंदा है, हमें इसको साफ करना है। हम टंकी खोलकर इसके अंदर पानी चला देंगे, और जो ब्रश का पीछे का हिस्सा है इससे हम इसको बार बार नीचे की तरफ प्रेस करेंगे इस तरह से। ये देखिए कितनी गंदगी निकल रही है, दिख रही है? ये देखिए ये हमारा पानी बिल्कुल गंदा हो गया है फिल्टर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। इसको हम बार बार पानी डालेंगे और ब्रश से इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए हमें इस तरह से, ताकि स्पंज के अंदर जो गंदगी भरी है वो हमारी आसानी से निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स कितनी गंदगी थी फिल्टर में, पूरा हमारा पानी काला हो गया है। अभी इसके अंदर और गंदगी है, उसको हम हल्के हल्के हाथ से इसको, और फिर से हम इसके अंदर पानी डालेंगे और फिर से ब्रश को इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि स्पंज हमारी नीचे जाएगी प्रेस होकर, और जो उसके अंदर गंदगी भरी है वो सब बाहर निकल जाएगी। ये देखिए फिल्टर का साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पानी को यही साफ करता है, इसलिए हम इसको अच्छे साफ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना काला हमारा पानी हो गया है, इसमें इतनी गंदगी थी। ये देखिए मैंने बहुत आसानी से इसको साफ कर लिया है। ये देखिए अब स्पंज के अंदर से हमारा गंदा पानी आना बंद हो गया है, मतलब हमारा फिल्टर साफ हो गया है।
ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे देखिए पानी साफ आने लगा है, मतलब हमारा फिल्टर बिल्कुल साफ हो गया है। अब हम टंकी को बंद कर देंगे। देखिए हमने इसको सेट कर दिया है और स्टोन के इसके आसपास कर दिया है ताकि ये ऊपर ना निकले। अब हम ट्री को सेट करेंगे। एक ट्री हम यहाँ लगा देते हैं और इसके स्टोन इसके आसपास कर देते हैं ताकि ये निकले ना, और एक ट्री को हम यहाँ सेट कर देते हैं, इसके आसपास भी हम स्टोन लगा देते हैं ताकि ये निकले ना। अब हम फिल्टर को लगाएंगे। फिल्टर को हमें इसमें, क्योंकि स्ट्रिप होती है चिपकने की, हमने इसको लगा दिया है। इसके इस पाइप को हमें बाहर रखना है, इस वाली पाइप को। देखिए फ्रेंड्स कितना साफ हमारा फिल्टर हो गया है और हमारा ये एक्वेरियम है। अब हमें इसमें पानी डालना है, लेकिन हमें पानी ऐसे डालना है कि इसके स्टोन हमारे अनइवन ना हो, अनइक्वल ना हो। हम इसमें बहुत ही आराम से पानी डालेंगे। कितना हमारा साफ हो गया है। अब हम इसमें बहुत सावधानी से पानी डालेंगे। साफ पानी धीरे धीरे डालेंगे, मग्गे से ही डालेंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे, ताकि हमारे जो स्टोन है ये ऊपर नीचे ना हो। आराम आराम से हम इसमें पानी भरेंगे। आप चाहो तो पाइप लगा के भी भर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मग्गे से डाल रही हूँ। ये देखिए पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स पानी आपको इस तरह से डालना है। हमारे जो स्टोन थे वो बिल्कुल नहीं हिले और कहीं से आने वन भी नहीं हुए, क्योंकि हमने पानी बहुत आराम आराम से डाला है। ये देखिए हम थोड़ा एक्वेरियम खाली रखेंगे, लगभग 1 से 2 इंच। देखिए फ्रेंड्स पानी का लेवल हमारा बिल्कुल, हमें इतना रखना है, 1 इंच हमें इसमें छोड़ना है, पानी में पूरा नहीं भरना है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, क्योंकि जो सी का जो वाटर होता है वो थोड़ा सॉल्टी होता है। हमने 2 चम्मच नमक डाल दिया है। अब हमें इसमें 3 दवाइयां डालनी हैं और हमें ये 10-10 बूंद डालनी है। हम ये 10 बूंद इसमें दवाई डालेंगे। ये 3 दवाइयां होती हैं, आपको 10-10 बूंद जब भी आप एक्वेरियम साफ करें, और हर 10 डेज के बाद आपको 10-10 बूंद ये डालनी है इसके। ये एंटी क्लोरीन है, ये कम से कम हमें इस आधी बॉटल डाल देनी है। ये हमारा जर्नल एड है, ये भी हमें 10 ड्रॉप डालना है ताकि हमारी फिश को कोई हार्मफुल चीज ना लगे। अब हम नेट की सहायता से फिश डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने एक फिश डाल दी है। हमारी लास्ट फिश बची है तो हमने डाल दी है। और हमारी ये थर्ड फिश देखिए कितना क्लीन हमारा एक्वेरियम हो गया है। पहले ये कैसा था और अब ये बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसका फिल्टर ऑन कर देंगे। ये देखिए
हमने दोनों फिल्टर ऑन कर दिए हैं।